हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आरएम फिटनेस। प्लीज जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर करें, थैंक यू। तो आज मैं यहाँ पे अपने बारे में बताने आया हूँ, शायद किसी को मेरी स्टोरी इंस्पायर कर जाए। तो मैं बताना चाहता हूँ कि मैं शुरू से ही फिजिकल में अच्छा था। मेरी 9th क्लास में एब्स थी, वर्कआउट करता था घर में थोड़ा बहुत, सिटअप हो गया, चिन अप हो गया, पुशअप्स हो गया, बस 3 वर्कआउट पर डे का था मेरा। आधा घंटा वर्कआउट करता था। तो स्टार्ट होता है कि शुरू से ही मुझे शौक़ था इस चीज़ का, बॉडी बिल्डिंग का तो नहीं पता, बट हाँ बॉडी बनाने का शौक़ था जैसे सबको होता है, और मेरी जेनेटिक अच्छी थी इसलिए जल्दी रिजल्ट मिल गया मुझे। और 2010 में मैं पढ़ाई कर रहा था ग्रेजुएशन का, तो किसी नॉर्मल अपना ग्राउंड में जाता था, रनिंग करता था, तो फिजिकल अच्छी थी। तो किसी फ्रेंड ने बोला कि जब फिजिकल अच्छी है तो क्यों नहीं आर्मी में ट्राई करता है, या फिर किसी और भी फोर्स में क्यों नहीं ट्राई करता। मैंने बोला अच्छी बात है, चलो ट्राई करते हैं। मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट लिया था 2010 में, ITBP का फॉर्म निकला था, मैंने भर दिया, कॉल लेटर आ गया, रांची में रेस था, रेस भी निकल गया, फिजिकल सारा क्वालिफाई हो गया फर्स्ट अटैम्प्ट में ही, रिटेन हुआ, रिटेन भी निकल गया, पढ़ने में कुछ खास नहीं था, ठीक ठाक था, रिटेन क्वालिफाई कर गया, मेडिकल फिट हो गया, ज्वाइनिंग लेटर आ गई 2011 में, ज्वाइनिंग लेटर आया जनवरी में। फिर मेरा ज्वाइनिंग का टाइम था रेवाड़ी का, हरियाणा में ज्वाइनिंग का जगह बताया गया कि वहाँ पे आपको ज्वाइन करना है, वहाँ पे ज्वाइनिंग किया। ज्वाइनिंग करने के बाद एक महीने बाद हमें ट्रेनिंग सेंटर भेजा गया, जहाँ 2011 में ट्रेनिंग सेंटर बरेली भेजा गया यूपी में, वहाँ मैंने ट्रेनिंग कम्प्लीट की, 1 साल 12 महीने की ट्रेनिंग होती है वो कम्प्लीट किया। उसके बाद हमारी पोस्टिंग हो गई दिल्ली में तिहाड़ जेल में, तिहाड़ जेल में 6 महीने ड्यूटी की, फिर वहाँ से उपराष्ट्रपति भवन में भेजा गया, जिस समय हमीद अंसारी थे, श्री हमीद अंसारी, तो उनके पास उनके घर में हम लोग ड्यूटी करते थे। फिर वहाँ से क्या हुआ, हमारी जो बटालियन थी, पूरी बटालियन, पूरी 5 कंपनी 6 कंपनी जो होती है वो ANO में भेजा जाना, ANO मतलब एंटी नक्सलाइट ऑपरेशन में, छत्तीसगढ़ हो गया, छत्तीसगढ़ में आपको पता ही है कि कितना नक्सली है, तो उनके लिए ITBP को पहली बार भेजा जा रहा था। तो उसके लिए हमें कोर्स करना था, 2 महीने का कमांडो कोर्स करना था उत्तराखंड में, उत्तरकाशी के ऊपर माही डंडा एक जगह का नाम है, जिसका फ़ोटो मैं डाल रहा हूँ, इसको देख लीजिएगा। तो माही डंडा में भेजा गया, वहाँ पे मैंने कंप्लीट किया 2 महीने का कमांडो कोर्स किया, जिसका नाम था CIJW काउंटर इंटेलिजेंसी जंगल वॉलफेयर, जो कि जिसमें बताया जाता है नक्सली के लिए आपको कैसे लड़ना है, क्या करना है। फिर यहाँ से स्टार्ट होता है, फिर हम वहाँ से छत्तीसगढ़ में आ गए, छत्तीसगढ़ में हमारी बटालियन, हमारी कंपनी थी, एक छोटी सी जगह है, काफ़ी ख़राब जगह है, मोहल्ला नाम करके, मोहल्ला नाम था उस जगह का। तो वहाँ पे 3 साल हमने ड्यूटी की। उसके दौरान क्या हुआ कि एक टीम बनाया जाना था, 5 कंपनियाँ थी, 1000 लोग थे, टीम बनाया जाने वाला था कि इनमें से कुछ अच्छे लड़के छाटा जाए और उनको अलग से कमांडो कोर्स कराया जाए, ताकि कहीं भी इमरजेंसी में हमें भेजा जाए। तो उसमें मेरा भी नाम था, फिजिकल शुरू से अच्छा था तो मेरा नाम उसमें था, हम 12 लड़के थे, हमारा सिलेक्शन हो गया। वो ट्रेनिंग इतना हार्ड था, आप सोच सकते हो 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर पर डे हमें रेस करना होता था, कहीं भी पता चलता था कि नक्सली है तो हमें दौड़ के नहीं जाना होता था, दौड़ के नहीं जाना थी, इतना बुरी तरह से, मतलब उतना हार्ड फिजिकल शायद ही कोई कर पाए, काफ़ी हार्ड था। और उसी चीज़ से मैं जो भी कुछ हूँ उसी से हूँ, और काफ़ी कुछ सीखने को मिला वहाँ से, अच्छा लगा। उसी दौरान एक एक्सीडेंट हो गया, क्या हुआ, हम जो एक्स्ट्रा टाइम में फुटबॉल खेलते थे तो लोकल टीम्स मैच था, उसमें मुझे मेरे घुटने में चोट लग गई, तो हल्का सा चोट था, धीरे धीरे वो दर्द हो गया, फिर बैठने उठने में प्रॉब्लम होने लगा था, तो फिर मेरा फिजिकल थोड़ा सा डाउन हो गया था। उसके बाद फिर हुआ क्या कि बीच में मुझे कराटे कोर्स में जाना था, मेरा नाम था, तो एक श्री हमीद अंसारी, सॉरी कलीम मसूद खान करके नाम है, DCGT, तो उन्होंने मुझे बुलाया, बोला कि जाना है तुम्हें कोर्स में, मैंने बताया कि मेरे घुटने में प्रॉब्लम, मैं नहीं कर पाऊँगा अभी, नेक्स्ट टाइम के लिए मुझे कर दीजिएगा। तो उनको लगा शायद मैं झूठ बोला या जाना नहीं चाहता हूँ, जबकि मैं फिजिकल में हमेशा आगे रहा हूँ, हमेशा चाहता था। तो उस टाइम मुझे बुरा लगा कि, और वो मुझे बहुत अच्छे से जानते थे, वो जानते थे मेरे बारे में कि फिजिकल अच्छा है, लेकिन उन्होंने भी साथ नहीं दिया, उनको लगा झूठ लगा बोल रहा है, उन्होंने मुझे डांटा भी, बोला भी, उस दिन मुझे बुरा लगा, बोला कि नहीं, यहाँ पे लोगों को सच, जो झूठ बोलता है उन्हीं को सच समझता है, जो सच बोलता है उनको झूठ बोला जाता है। उसी टाइम से मन थोड़ा सा टूट गया, फिर सोचा क्या करूँ आगे, बोला नहीं अब जॉब नहीं करनी है, काफ़ी हो गया। उस दिन शायद मैं टूट चुका था वहाँ से,
मेरा भी मन भर गया था कि नहीं अब नहीं करूँगा जॉब, तो मैंने 2-3 महीने के बाद रिजाइन मार दी वहाँ से। फिर मैंने सोचा कि रिजाइन मारने से पहले क्या करूँ, तो मेरे पास कुछ सेविंग्स था, तो शुरू से मैं सोचता था कि जिम करूँ, अपना जिम खोल लूँ, अगर लास्ट में ऑप्शन मिला। मेरा हॉबी है जिम, वर्कआउट करना हॉबी है, तो क्यों ना हॉबी को ही जॉब बना लूँ, मज़ा भी आएगा। तो मैंने किसी तरह से सेटअप कर लिया एक फ्रेंड की मदद से। पहले तो मैं सोचा बड़ी जगह खोलूँ या छोटी जगह, फिर मैंने सोचा छोटी जगह में ही खोलता हूँ, देखता हूँ क्या रिजल्ट मिलता है, और काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला। आज यहाँ पे पहले मेरा एक जिम था, अभी लोग देखते देखते यहाँ 5-6 जिम और खुल गया आसपास में। तो अच्छा लगता है कि चलो स्टार्टिंग मैंने ही किया, आज लोग फॉलो कर रहे हैं, काफ़ी लोग फिट भी हो गए जिम में। यहाँ पे मैं कुछ पिक्स दिखाना चाहता हूँ, वो छत्तीसगढ़ वाली, आप अच्छे से देखें इन्हें, पुरानी पिक्स है। शुरू से एक्सपोज करने का मुझे शौक़ था, चाहे मैं एनओ में भी रहा, छत्तीसगढ़ में भी रहा, लेकिन वर्कआउट कभी नहीं छोड़ा मैंने। अगर 40 किलोमीटर चल के भी आता था, दौड़ के आता था, आने के बाद 1 घंटे में वर्कआउट ज़रूर करता था, उसके बाद अपना लंच वगैरह सब कुछ करता था। तो ये भी फोटो देखें आप। फिर क्या हुआ, वहाँ से छत्तीसगढ़ में ही मेरी बॉडी अच्छी हो गई थी वर्कआउट करते करते, तो मुझे DIG का गनमैन बना दिया गया था, बॉडी को देख के कि हाँ बॉडी गार्ड रहेगा, तो अच्छा लगा। 1 साल उधर भी निकल गया। फिर 2017 में मैंने रिजाइन दिया, जिम का सेटअप किया छोटी सी जगह सरिया हजारीबाग रोड में, जो कि गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में आता है, झारखंड में ही। फिर यहाँ से क्या हुआ, 2017 में 3-4 महीने हुए तो कम्पीट करने का टाइम आ गया थोड़ा। एक फ्रेंड ने बोला कंपटीशन खेल लो, मिस्टर झारखंड का गेम आया हुआ, तो मैंने बोला हाँ चलो खेलते हैं। तो फर्स्ट टाइम मैंने गेम खेला, उसमें मेरा मिस्टर झारखंड में जूनियर बॉडी बिल्डिंग में 2nd आया, सीनियर में 3rd आया, मेन फिजिक में 2nd आया, और उसमें एक चेस्ट प्रेस भी था पावर लिफ्टिंग, उसको भी मैंने ट्राई किया, उसमें 3rd आया। तो अच्छा लगा कि सारे जो भी कंपटीशन मैंने खेला उसमें अच्छा रिजल्ट आया, जो भी है फर्स्ट टाइम में ही आना एक पोजीशन सही होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट गेम मैंने खेला एक जगह, वहाँ पे मिस्टर झारखंड जूनियर बॉडी बिल्डिंग में 2nd आया, सीनियर में भी 2nd आया, तो प्रोग्रेस थी। अभी जिसकी फ़ोटो भी मैं डाल रहा हूँ, 2019 में अभी गेम खेला, उसमें मेन फिजिक में 2nd आया और बॉडी बिल्डिंग में 3rd आया, सीनियर बॉडी बिल्डिंग मिस्टर झारखंड में 3rd आया। तो उस जगह से लेकर अभी तक जो भी जर्नी मेरी यही है, आगे बहुत कुछ करना है, कैसे करना है वो सारा कुछ सोच रखा है। तो वही होता है, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि जो मेरा जो हॉबी था वो आज जॉब बना है, पता ही नहीं चलता टाइम का। मेरा ग्रुप का भाई ये फ़ोटो देख लीजिए, सारे मेरे फ्रेंड्स है, फैमिली है, स्टूडेंट है, सब कुछ यही है। सो आई विश आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपके लिए वर्कआउट प्रोग्राम लाऊंगा मैं, डाइट प्रोग्राम लाऊंगा मैं, मसल बिल्डिंग प्रोग्राम लाऊंगा मैं, और भी बहुत कुछ लाऊंगा, रिव्यू लाऊंगा, कुछ कोई सप्लीमेंट के बारे में बताऊंगा। सो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।